आज का फर्स्ट वर्ड है रेगिस्तान। रेगिस्तान जो देख रहे हैं आप, इसे हिंदी में मरुस्थल भी बोला जाता है, वैसे से इंग्लिश भी कहा जाता है डेजर्ट। डेजर्ट मतलब रेगिस्तान या मरुस्थल। और नेक्स्ट है झरना। झरना को हिंदी में हम जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। बाय द वे, झरना को इंग्लिश भी कहा जाता है वॉटरफॉल, या फिर आप बोल सकते हो कैस्केड। दोनों का मतलब होता है झरना। और नेक्स्ट है रेत। रेत को हम हिंदी में बालू भी कहते हैं, वैसे रेत को इंग्लिश भी कहा जाता है सैंड। सैंड मतलब रेत या बालू। और अगला है बालू का टीला। बालू का टीला या रेत का टीला या बालू टिब्बा भी बोलते हैं हिंदी में, वैसे से इंग्लिश भी कहा जाता है ड्यून, या फिर आप सैंड ड्यून भी बोल सकते हो। दोनों का मतलब होता है बालू का टीला। और अगला है टापू। टापू को हम हिंदी में द्वीप भी कहते हैं, वैसे से इंग्लिश भी कहा जाता है आइलैंड। आइलैंड मतलब टापू या द्वीप, जैसे हमारे अंडमान और निकोबार आइलैंड हैं। और अगला है उपद्वीप, बहुत छोटा द्वीप, वैसे से इंग्लिश भी कहा जाता है आइलेट। आइलेट मतलब उपद्वीप। और नेक्स्ट है समुद्र या सागर। समुद्र या सागर को इंग्लिश भी कहा जाता है सी। सी मतलब समुद्र या सागर। और अगला है महासागर। महासागर को इंग्लिश भी कहा जाता है ओशन। ओशन मतलब महासागर, जैसे पैसिफिक ओशन या अटलांटिक ओशन। और नेक्स्ट है नदी। नदी या दरिया भी कहते हैं नदी को हिंदी में, वैसे नदी या दरिया को इंग्लिश भी कहा जाता है रिवर। रिवर मतलब नदी या दरिया, जैसे हमारी गंगा नदी जो कि एक रिवर है। और नेक्स्ट है तालाब। तालाब जो कि झील से छोटा होता है, वैसे तालाब को इंग्लिश भी कहा जाता है पॉन्ड। और नेक्स्ट है झील। झील को इंग्लिश भी कहा जाता है लेक। लेक मतलब झील। और नेक्स्ट है समुद्र तट। समुद्र तट को इंग्लिश भी कहा जाता है सी कोस्ट। सी कोस्ट मतलब समुद्र तट। और नेक्स्ट है नदी का किनारा, इसे इंग्लिश भी कहा जाता है रिवर बैंक। रिवर बैंक मतलब नदी का किनारा। और नेक्स्ट है खाड़ी। खाड़ी, वैसे खाड़ी को इंग्लिश भी कहा जाता है बे। बे मतलब खाड़ी, जैसे हमारी बंगाल की खाड़ी बे ऑफ बंगाल। और नेक्स्ट है जल डमरू मंडल। जल डमरू मंडल या जल संयोजी, ऐसा सकरा समुद्र खंड जो दो बड़े समुद्र को मिलाने वाला है, वैसे जल डमरू मंडल को इंग्लिश में कहा जाता है स्ट्रेट। स्ट्रेट मतलब जल डमरू मंडल, जैसे कि पाक स्ट्रेट, ये जल डमरू मंडल ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। और नेक्स्ट है नहर। नहर जो कि सिंचाई और यातायात के लिए बनाई गई हो, वैसे से इंग्लिश में कहा जाता है कनाल। कनाल मतलब नहर। और नेक्स्ट है पर्वत। पर्वत को इंग्लिश में कहा जाता है माउंटेन। माउंटेन मतलब पर्वत। और नेक्स्ट है पहाड़ी। पहाड़ी जो पर्वत से कम ऊंची हो, उसे इंग्लिश में कहा जाता है हिल। हिल मतलब पहाड़ी। और नेक्स्ट है चोटी। चोटी पर्वत की, वैसे चोटी को इंग्लिश में कहा जाता है पीक। पीक मतलब चोटी या शिखर। और नेक्स्ट है घाटी। घाटी या वादी, दो पर्वतों के बीच की नीचे की भूमि को जिससे नदी होकर बहती है, उसे कहा जाता है घाटी। वैसे घाटी या वादी को इंग्लिश में कहा जाता है वैली। वैली मतलब घाटी या वादी। और नेक्स्ट है हिमनदी। हिमनदी जो देख रहे हैं आप, इसे इंग्लिश में कहा जाता है ग्लेशियर। ग्लेशियर मतलब हिमनदी। और नेक्स्ट है पठार। पठार जो ऊंचाई पर फैली हुई समतल भूमि है, वैसे से इंग्लिश में कहा जाता है प्लेटो। प्लेटो मतलब पठार। और नेक्स्ट है जंगल। जंगल को इंग्लिश में कहा जाता है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट मतलब जंगल। और नेक्स्ट है पेड़। पेड़ को इंग्लिश में कहा जाता है ट्री। ट्री मतलब पेड़। और अगला है घास। घास को इंग्लिश में कहा जाता है ग्रास। ग्रास मतलब घास। और घास का मैदान। घास का मैदान को इंग्लिश में कहा जाता है मैडो। मैडो मतलब घास का मैदान। और नेक्स्ट है काई। काई को इंग्लिश में कहा जाता है मॉस। मॉस मतलब काई। और नेक्स्ट है चट्टान। चट्टान को इंग्लिश में कहा जाता है रॉक। रॉक मतलब चट्टान। और अगला है पत्थर। पत्थर को इंग्लिश में कहा जाता है स्टोन। स्टोन मतलब पत्थर। और अगला है कंकड़। ये एक स्मॉल स्टोन होते हैं, वैसे से इंग्लिश में कहा जाता है पेबल। पेबल मतलब कंकड़। और नेक्स्ट है ऊंची खड़ी चट्टान, जो स्पेशली समुद्री किनारे हो, वैसे से इंग्लिश में कहा जाता है क्लिफ। क्लिफ मतलब ऊंची खड़ी चट्टान। और नेक्स्ट है खान। खान या खदान, इसे इंग्लिश में कहा जाता है
माइन, माइन मतलब खान या खदान। और अगला है सुरंग। सुरंग को इंग्लिश में कहा जाता है टनल, टनल मतलब सुरंग। और अगला है पुल, पुल को हम सेतु भी कहते हैं, वैसे पुल को इंग्लिश में कहा जाता है ब्रिज, ब्रिज मतलब पुल। और नेक्स्ट है बांध, बांध को इंग्लिश में कहा जाता है डैम, डैम मतलब बांध। और नेक्स्ट है भूमि, भूमि को इंग्लिश में कहा जाता है लैंड, लैंड मतलब भूमि। और नेक्स्ट है खेत, खेत को इंग्लिश में कहा जाता है फील्ड, फील्ड मतलब खेत। और अगला है उद्यान, उद्यान को इंग्लिश में कहा जाता है पार्क, पार्क मतलब उद्यान। और नेक्स्ट है गुफा, गुफा जो भूमि के भीतर हो या पहाड़ी में बना छेद हो उसे कहा जाता है गुफा, वैसे गुफा को इंग्लिश में कहा जाता है केव, केव मतलब गुफा। और नेक्स्ट है मिट्टी, मिट्टी को इंग्लिश में कहा जाता है सॉइल, सॉइल मतलब मिट्टी। और अगला है पानी, पानी को इंग्लिश में कहा जाता है वाटर, वाटर मतलब पानी। और नेक्स्ट है तारे, तारे को इंग्लिश में कहा जाता है स्टार्स, स्टार्स मतलब तारे। और नेक्स्ट है आसमान, आसमान को इंग्लिश में कहा जाता है स्काई, स्काई मतलब आसमान। और नेक्स्ट है लहर, लहर को हम तरंग भी बोलते हैं जो समुद्र में होती है, वैसे से इंग्लिश में कहा जाता है वेव, वेव मतलब तरंग या लहर। और नेक्स्ट है धुआं, धुआं को इंग्लिश में कहा जाता है स्मोक, स्मोक मतलब धुआं। और नेक्स्ट है पौधा, पौधा को इंग्लिश में कहा जाता है प्लांट, प्लांट मतलब पौधा। और नेक्स्ट है फूल, फूल को इंग्लिश में कहा जाता है फ्लावर, फ्लावर मतलब फूल। और अगला है झाड़ी, झाड़ी को इंग्लिश में कहा जाता है बुश, बुश मतलब झाड़ी। और अगला है गड्ढा, गड्ढा जो देख रहे हैं आप इसे इंग्लिश में कहा जाता है पिट, पिट मतलब गड्ढा। एंड द लास्ट वन इज सड़क, सड़क को इंग्लिश में कहा जाता है रोड, रोड मतलब सड़क। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। और मुझे कमेंट सेक्शन में इन दोनों के आंसर लिख के बताइए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा अपना कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिएगा। और इस वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और मैं मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।